जमन रोजगार मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि रोजगार मिले। इसके लिए मतलब उठाया जाएगा जैसे लोन, बैंक से लोन, लोन शिविर लगा के लोन का व्यवस्था, पैसा होता ना रोजगार लोग करेंगे जी। तो ऑटोमेटिक जो लोग काम व्यस्त हो जाएगा तो नशाकारी लोग अपने स्वयं छोड़ देंगे जी। तो इसका व्यवस्था किया जाए कि लोगों को लोन के माध्यम से हो, जैसे भी हो। पंचायत राज मोड़वा उतरी और यहाँ पर कुछ युवा साथी हमें जनसंपर्क करते नजर आए। उनका नाम है गौरव कुमार बबलू जी, उनकी धर्मपत्नी जो सानिया नेहा जी हैं जो पंचायत समिति की उम्मीदवार हैं, और सर 20 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, आज हम इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी मैडम पंचायत समिति की उम्मीदवार हैं, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? पंचायत के विकास के लिए और भी जो समस्या पंचायत के अंदर रहती है उसको दूर करने के लिए। पंचायत के विकास को लेकर के आप राजनीति में कदम रखे हैं जी। एक सबसे बड़ी समस्या है आज कि युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अगर आप पंचायत समिति बनकर आते हैं तो उनके लिए आपने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, आप उनके लिए क्या करेंगे? नशा का जो लोग आदि है पंचायत में युवा वर्ग के लोग, खासकर जो बेरोजगार हैं, इसके वजह से इस तरह का समस्या रहता है हमारे समझ से। तो जब उनको रोजगार मिलेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि रोजगार मिले। इसके लिए मतलब उठाया जाएगा जैसे लोन, बैंक से लोन, लोन शिविर लगा के लोन का व्यवस्था, पैसा होता ना रोजगार लोग करेंगे जी। तो ऑटोमेटिक जो लोग काम व्यस्त हो जाएगा तो नशाकारी लोग अपने स्वयं छोड़ देंगे जी। तो इसका व्यवस्था किया जाए कि लोगों को लोन के माध्यम से हो, जैसे भी हो, रोजगार का प्रबंध कराया जाए। सरकार की सबसे बड़ी योजना आज तक की 7 निश्चय योजना, तो वो आपके क्षेत्र में धरातल पर उसकी क्या स्थिति है? 7 निश्चय योजना सरकार का तो है लेकिन धरातल पर उतना कुछ दिख नहीं रहा है। जो प्रतिनिधि लोग भी हैं, जैसे भी हम मने किसी के बारे में कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन इतना जो भी सरकार का उद्देश्य था उसका पुष्टि नहीं दिख रहा है समाज में, पंचायत में। लेकिन योजना तो आया है सरकार की तरफ से। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस तरह हर घर में, हर गांव में, हर शहर में देवालय का होना जरूरी है, उसी तरह हर घर में शौचालय का भी होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि शौचालय की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? शौचालय बना भी है लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए हर जगह वो दिख नहीं रहा है, कहीं है कहीं नहीं है। लोग अभी भी उसी तरह, जिस तरह से पुराना व्यवस्था था उसी तरह से लोग अभी भी जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण मैंने समझिएगा पूरे पंचायत में ऐसे बन गया, ऐसी बात नहीं है, नहीं बना है अभी भी स्थिति। स्थिति वैसी ही है, कुछ सुधार हुआ है लेकिन जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। आधी आबादी महिलाओं की है इस प्रदेश में, तो महिलाएं जैसे अपना काम निपटारा करने के बाद, घर का काम करने के बाद जो बेरोजगार बैठी रहती हैं, खाली बैठी रहती हैं, उनके लिए क्या बनाए हैं आपने, कोई योजना बनाई? जो महिलाएं जो अपने काम, घर का काम करने के बाद उनका समय बचता है जी, उसके लिए मतलब कुछ ऐसा उद्योग मिले, लघु उद्योग, जिससे वो अपना 200-300 रुपये पर डे कमा सकें, जिससे उनका परिवार जो है, जो खर्च उनका है परिवार का, वो निकल जाए, तो इसमें अच्छा रहेगा उनके भविष्य के लिए। जो और जो कमाई होता है उनके और भी आदमी के माध्यम से वो बचेगा। कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति बहुत प्रभावित हुई, आपको पता होगा कि हर एक जगह पर एक कोर कमेटी होती है शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कि सही रूप से वहाँ शिक्षा व्यवस्था है, पढ़ाई चल रहा है या नहीं चल रहा है, मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल रहा है नहीं रहा है। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका काम होता है वहाँ पर देखना जा करके स्कूलों में, तो उसकी क्या व्यवस्था है? कमेटी है लेकिन इतना देखभाल नहीं हो पाता है, लोग अपने ही काम में व्यस्त रह जाते हैं। अब जो कमेटी बन गया तो देखना ही चाहिए लेकिन देख लोग कहाँ पाते हैं, चल रहा है जैसे तैसे व्यवस्था जैसे, लेकिन उतना लोग देख नहीं पाते हैं। सबसे लास्ट हमारा सवाल होगा आपसे कि आप युवा हैं, आप अगर जीत करके क्षेत्र में आते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर कौन सा ऐसा 5 काम होगा जो आपसे पहले कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए होंगे, तो आप प्राथमिकता के आधार पर वो कौन सा काम करेंगे? पंचायत में सड़क है जी, नाला है, शिक्षा व्यवस्था है, बेरोजगारी है, और भी जितना समस्या पंचायत में होती है सबको देखा जाएगा। एक ही समस्या ऐसा ना हो जिसको नहीं देखा जाए, तभी तो माने विकास होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। सान्या नेहा जी पंचायत समिति पर खड़ी हुई हैं पुरावती पंचायत से, जिनका क्रमांक संख्या है 6 पर डोली छाप। हम जनता से अपील करना चाहते हैं पुरावती की जनता से
कि इस पर बटन दबा कर इनके भारी मतों से विजय बना दें ताकि इस क्षेत्र का, इस पंचायत का विकास हो सके। यही हमारी अपील है। आप भी गौरव कुमार बबलू जी के साथ घूम रहे हैं और सान्या नेहा जी का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर क्या देखते हैं इनमें और क्या आशा है आपका इनको लेकर के? ईमानदार हैं, काम करते हैं, कर्मठ हैं, सब काम करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लेकर के आप इनके लिए, इनके साथ आज खड़े हैं। चलिए उनसे पूछ लीजिए, मतलब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समीद। मोहम्मद समीर जी हुए? जी, समीद। समीद जी। जी, आप सान्या नेहा जी को सपोर्ट कर रहे हैं पंचायत समिति के लिए, क्या कारण है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? पंचायत समिति के लिए बहुत खड़े हैं, खड़े हैं, लेकिन ये जो है से माने काम काज के लिए वो ठीक हैं, हम लोग इनको चाहते हैं। पहले से भी वो समाज में काम करते रहे, करते रहे, गरीबों को देखते रहे, और अभी भी देखेंगे, जीत जाएंगे तो और भी देखेंगे, जीत जाएंगे तो और भी, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि इनको इस बार मौका मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मदन कुमार। मदन कुमार, पूटन शर्मा। पूटन शर्मा जी, आप भी सान्या नेहा जी का प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, तो क्यों उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ऐसे व्यक्ति कोई मतलब पंचायत में उम्मीदवार खड़ा करना चाहता हूँ जो मतलब इस क्षेत्र में नहीं पद पर रहते हुए भी गली नली नाला रोड ब्लॉक में ईंट फैब्रिकेशन ईंट का काम बहुत मतलब काम किए हैं, इसीलिए हम मतलब कि सामाजिक लोग हैं, बहुत सामाजिक, इतना तो हम क्या कहें। आप क्षेत्र में घूमिए, जनता इन्हीं को चाहती है, समाज में जी पूरा एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पंचायत पूरा एकदम मतलब नहीं पोस्ट पर रहते हुए इतना काम हुआ है, जितना जो आदमी पोस्ट पर थे वो भी नहीं काम किए हैं, मुझे ना इतना मतलब बहुत काम किए हैं, और जनता तो इतना चाहती है इनको, माने ऐसा आदमी मतलब उम्मीदवार हमको नहीं मिलेगा इस पंचायत में। जी जी, धन्यवाद।